आखिर बार यहाँ मौजूद तमाम माननीय विधायकगण, विधान पार्षद जी, राजद के हमारे पदाधिकारीगण, इंडिया गठबंधन के नेतागण, मेरे गार्जियन, मेरे सारण परिवार के बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। सारण के जनता माली को गोर लगतानी। आपन सब भाई बहन की जय। सारण में जब से हम यहाँ पे घूम रहे हैं, तब से बस एक ही मांग चल रही है, बदलाव। तो इस बार सारण की अनदेखी करने वाले, सारण को ठगने वालों को इस बार सारण की जनता हल्दी चूना लगा करके विदाई करने के मूड में है ना? बदलाव चाहिए ना? तो चंदा चोरों, देश का खजाना लूटने वालों, आम आदमी, गरीब गुरबों की जिंदगी दुश्वार करने वालों को दूर बाहर भगाना है। इस बार इनकी सत्ता में वापसी एकदम नहीं होनी चाहिए। अगर ये सत्ता में आ जाएंगे तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान खतरे में पड़ेगी, देश खतरे में होगी, लोकतंत्र खतरे में होगी, हमारा आरक्षण ये लोग छीन लेंगे। इस बार आप लोग को सबको एकजुट हो करके यहाँ से इनकी विदाई तय करनी होगी, क्योंकि बिहारी देश में बदलाव की बहार बाहर लाती है, बदलाव की बयार बहाती है। तो इस बार सारण उदाहरण होगा और सारण से ये शुरुआत होगी बदलाव की पूरे देश में। इसका मुझे आप सबका पूरा भरोसा है कि आप लोग सबको ही साथ देंगे। अब ज्यादा टाइम नहीं है, भाई को भी बोलना है, दोनों मेरे भाई लोग बैठे हैं, उनको बोलना है, लेकिन मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप सबको मालूम है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सारण को क्या क्या दिया। लालू जी के लिए सारण हमेशा दिल में बसा है और वही मैं यहाँ पे रह करके आप लोग के आंखों में भी लालू जी के प्रति उतना प्यार, सादर सत्कार मैंने देखा है। तो लालू जी ने यहाँ पे दो दो, जब भी उनको मौका मिला, रेलवे मंत्री थे, दो कल कारखाने दिए, जेपी यूनिवर्सिटी दिए, प्रखंड बनाए, पुल पुलिया बनाए, रेवा पुल बनाए। तो लालू जी के द्वारा किए हुए काम हम लोग मतलब अनगिनत है, उनको गिना नहीं सकते हम लोग, जो भी मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन यहाँ के जो सांसद है 10 साल से, उन्होंने क्या दिया सारण को? एक भी यूनिवर्सिटी खोला उन्होंने? हॉस्पिटल बनवाई? पुल पुलिया बनवाया? वो भी डबल देकर भाई तेजस्वी की ही देन है, जिसको वो लोग आप बोलते कि हम लोग बनाए, और उसको भी अभी तक 10 साल में बना नहीं सके। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि मोढ़ौरा में जब मैं आऊंगा सारण, तो यहाँ पे चाय पीऊंगा और मिठास घोलूंगा, बोला था ना? तो खुल गया मोढ़ौरा में चीनी मिल। अरे कल चचा आए थे, हम बोले भी थे कि भतीजी को भी बुलाइए, चचा आप चाय बनाइएगा मढ़ौरा में, हम लोग चल के अब बेटी उसमें चीनी डालेगी। लेकिन चचा अपने जो काम जिसने काम नहीं किया उस बेटे के लिए आए थे, जो अपने आप को स्थानीय बताते हैं। आप ही बताइए, कभी वो आपसे मिलने आए हैं? कोरोना काल में वो कहाँ पाए गए? दिल्ली में थे कोरोना काल में, जबकि यहाँ पे उनको आप लोग के साथ होना चाहिए था, होना चाहिए था ना? थे आपके साथ कोरोना काल में, 33 एम्बुलेंस उनके यहाँ से पकड़ाया। स्किल इंडिया फाउंडेशन, स्किल इंडिया में जब वो मंत्री थे तो उनको स्किल इंडिया से क्यों निकाला गया है? जरा प्रधानमंत्री जी को वो भी बताना चाहिए था। उन्होंने बोला था कि स्किल इंडिया का यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोलेंगे, खुला यहाँ पे, खुला
नहीं ना, तो फिर क्या चीज के सांसद, क्या चीज के लिए 10 साल से उनको बार बार मौका मिल रहा है। तो इस बार आप लोग ठान लीजिए, इस बार सारण के बेटा के जगह इस सारण की बेटी, बिहार की बेटी को आप लोग चुनने का काम कीजिए। ये बेटी आप लोग से वादा करती है, ये बेटी वादा करती है, जैसे आपके घर में बहन बेटी आप लोग का ख्याल रखती है, माँ बाप भाई बहन सबका ख्याल रखती है, पूरे घर को पूरे समाज को जोड़ के रखती है, ये बेटी भी वैसा ही काम करेगी। बस एक भरोसा रखिए और एक मौका दीजिए इस बेटी को आप लोग की सेवा करने की। अब भाई बोलेंगे इसलिए अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। आप लोग को मालूम है लालटेन का चिन्ह, एक मिनट भैया, एक मिनट, हाँ आप लोग को मालूम है कि लालटेन क्रमांक संख्या 3 पे है, तो 3 लालटेन का 3 नंबर ब्लू बटन दबा करके अपनी इस बहन बेटी को विजयी बनाए, ताकि ये बेटी संसद में भी जाके आप लोगों की आवाज उठाए। जय सारण, जय भीम, प्रणाम, धन्यवाद सारण। अब बिहार के बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब हम वैसे शख्सियत को बुलाने जा रहे हैं, माननीय लालू प्रसाद, जो करोड़ों दीयों में बसने वाले आप तमाम लोग, जिनके सारण के विकास में चाहे रेलवे का चक्का कारखाना हो, मरोड़ा का कारखाना हो, जेपी यूनिवर्सिटी हो, जेपी सेतु हो, शख्सियत के सामाजिक न्याय को बढ़ाने वाले हमारे आदरणीय मुकेश साहनी जी, हम उनको आमंत्रित करते हैं कि आए और बेटी रोहिणी आचार्य जी को आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनावी सभा में उपस्थित यहां पे आप सभी के लोकप्रिय युवा नेता, नेता प्रतिपक्ष, लाखों युवा को नौकरी देने वाले हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी बहन रोहिणी आचार्य जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अति पिछड़ा की बेटी बहन उर्मिला ठाकुर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित कारिक सोहेब साहब, यहाँ पे उपस्थित हमारे साधु पासवान जी, इस्माइल मंसूरी जी, हमारे स्थानीय विधायक भाई छोटे लाल पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज महतो जी, बिंद जी, गौतम सहनी जी, रमेश सहनी जी, वीआईपी पार्टी के स्टार प्रचारक डॉक्टर अनिल सहनी जी, अमरजीत सहनी जी, मुशीद कुमार महतो जी, सतेंद्र महतो जी, रमेश सहनी जी युवा कार्यकर्ता, मुकेश सहनी जी जिला महासचिव, बलेश्वर साहनी जी, ओम प्रकाश पटेल जी, डॉक्टर विश्वजीत कुमार निषाद जी, शिव शंकर महतो जी, और विजय साहनी जी, भीम साहनी जी, कन्हैया साहनी जी, भवानी साहनी जी, धर्मेंद्र साहनी जी, सवेंद्र साहनी जी, देवानंद साहनी जी, और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के, लेफ्ट के, कांग्रेस पार्टी के, वीआईपी पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल के सभी वरिष्ठ नेतागण, और इस सभा में बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे युवा साथी, माता बहन, सम्मानित गार्जियन, मीडिया के साथी, सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, जब बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे तो सुनते थे कि अगर किसी का बेटा हो तो सरवन जैसा हो, और मैं आज कहना चाहता हूं कि आज के समय में अगर किसी का बेटी हो तो बहन रोहिणी आचार्य जी जैसा हो। तो इसलिए साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारे बहन रोहिणी आचार्य जी अपने परिवार के लिए कितना आगे रहती है, उसी तरीके से अपने जनता, अपने लोगों के लिए, हक हक अधिकार के लिए 24 घंटा आपके सामने खड़े रहेगी। साथियों, सब 24 घंटा खड़ी रहेगी। और दूसरे तरफ जो सांसद है उनके बारे में आपको भी पता होगा, जो सांसद अपने भाई का नहीं हुआ, जो सांसद अपने भाई का संपत्ति हड़प ले, वो सांसद आपका क्या कर सकता है? साथियों, आपके हक अधिकार क्या दे सकता है? जो सांसद आपसे हाथ मिलाए और हाथ मिलाने से डरे
और हाथ मिला के दो मिनट में हाथ धो ले, वो सांसद से क्या उम्मीद करेंगे कि संसद भवन में आपके हक अधिकार की बात करेंगे? साथियों, हक अधिकार की बात करेंगे। इसलिए साथियों, आप सभी के बीच में हम उपस्थित हुए हैं, हम बहन रोहिणी आचार्य जी के लिए यहाँ पे आए हैं। ये संयुक्त हमलारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी है, और आप सभी से उम्मीद है कि मजबूती से इनको चुनाव जिताइए और दिल्ली भेजिए और आपके हक अधिकार की बात करेंगे। साथियों, हक अधिकार की बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पार्टी के जितने भी नेतागण है, आप सभी से आग्रह है कि मजबूती से यहाँ बहन रोहिणी आचार्य जी के लिए काम कीजिए। अभी हमें किसी ने कहा कि आपका आरक्षण कैसे मिलेगा, 3 सांसद जितने से आरक्षण मिलेगा? हमने उनको कहा, अरे भाई, सिर्फ 3 सांसद की बात नहीं है, 23 सांसद जो तेजस्वी जी के पास है वो भी मान लीजिए वीआईपी का है, और जो वीआईपी का है वो तेजस्वी जी का है, और हम 26 जगह लड़ रहे हैं, और हम 40 लोकसभा सीट पर लड़ रहे हैं, और आने वाला समय में दिल्ली में जो सरकार बनेगा, और जब सरकार बनेगा तो बिंद बेलदार नोनिया मला को आरक्षण मिलेगा। साथियों, आरक्षण मिलेगा। तो इसलिए तमाम यहाँ पे जितने भी हमारे नेतागण है, सभी से आग्रह करूंगा कि मंच पे के अलावा एक एक गांव में, एक एक बूथ पर, एक एक प्रखंड में जाइए और वहां पे मजबूती से काम कीजिए, और लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा को गांव गांव तक पहुंचाने का काम कीजिए, और यहां पे हमारे बहन रोहिणी आचार्य जी को बटन दबा के जिताने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम वैसे शख्सियत को बुलाने जा रहे हैं जिनके नाम मात्र से युवाओं में जोश भर जाए। शेरनी के डॉक्टर रोहिणी आचार्य जैसे शेरनी के भाई हम आदरणीय तेजस्वी जी को आमंत्रित करते हैं। मंच पर आवाज थोड़ा ऊंचा लो ना। आ रहे हैं या यही वाला माइक? ठीक ठीक। मंच पर उपस्थित बड़े भाई मुकेश सहनी जी, एक माला भी रखे रहे, सभी हमारे विधायकगण, MLC गण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, समय का अभाव है इसलिए सबों का नाम नहीं ले पा रहे। परसा बरियारपुर की सभी हमारी जनता, अभिभावक गण, यहीं से गोर छुअतनी सभी बुजुर्ग के माता बहन के यही जैसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करतनी, और सभी नौजवान भाई के यहीं से गला लगावतनी। देखिए, हमारी बहनी रोहिणी आचार्य जी चुनाव लड़ रही हैं। रोहिणी जी लड़ रही है मतलब तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहा है, और आप सब लोगों से अपील करने आए कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके रोहिणी जी को आप लोग भारी से भारी मतों से विजय बनाने का काम कीजिए। देखो, हमको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, बोला कि तेजस्वी जी आपके जो कमर के हड्डी में जो चोट लगी है, आप खड़े मत होइए, आप प्रचार में मत जाइए, आप 3 हफ्ता जो है बेड रेस्ट कीजिए। हम बोले कि देखिए डॉक्टर साहब, तेजस्वी अब तभी बेड रेस्ट लेगा जब नरेंद्र मोदी को बेड रेस्ट करा देगा। इधर हेलीकॉप्टर है, अरे उधर क्या है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर। हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। 150 से भी ज्यादा हम सभा कर चुके हैं एक हेलीकॉप्टर पे, हम मुकेश सहनी जी होने से मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, यूपी के योगी जी, सब केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री, सब केंद्र मंत्री आ रहा है, यानी एक हेलीकॉप्टर 20-20 हेलीकॉप्टर पर भारी है।
और प्रधानमंत्री आयल रहे कल है आ परसों सांझ में पटना में रोड शो करते रहे। एक 34 साल के नौजवान ने प्रधानमंत्री जी को रोजगार नौकरी के एजेंडे पे सड़क पे ले आया। प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने कुछ बोला कि बिहार के लिए क्या करेंगे या 10 साल में सारण के लिए क्या किया बता दो। अरे रउआ लोग बताएं बरियारपुर परसा के लिए एक को काम जो प्रधानमंत्री किए हो, एक काम छोटा काम बता दो, कोई काम नहीं। लालू जी तो कारखाना दिए जब रेल मंत्री थे, आज पूरे देश भर में अगर ट्रेन दौड़ रहा है तो ट्रेन का चक्का यहीं बन रहा है, समझ रहे हैं। अरे मोदी जी रेलवे को बेच दिए, लालू जी थे तो जितना कूली था ना सबके परमानेंट कर दिए थे, देश भर के कूली के हर बजट में किराया कम करते थे। लालू जी के समय प्लेटफॉर्म टिकट था 3 रुपया, आज हो गए 50 रुपया। अब भाड़ा तो छोड़िए, यही नरेंद्र मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल वाला के हवाई जहाज पे बैठाएंगे, आज जहाज का किराया सोचिए आसमान चूम रहा है 15,000-20,000 खाली दिल्ली जाए के बाद। तो ये हालत है रे भाई, सबसे महंगा टिकट पटना के दरभंगा के। मोदी जी ने 14 में क्या कहा था भाई बहनों 15-15 लाख खाता में, 2 करोड़ नौकरी अच्छे दिन। उस समय नौजवान भाई साहब घरे ए मम्मी ए पापा अच्छे दिन नौकरी मिल जाएगा, है ना। देखिए झूठ बोले चूना लगा दिए हम लोग के, लेकिन इस बार हम लोगों को झूठ का बदला लेने के बाद 10 साल दे दिए आप लोग, ना किसानों का है दुगुना फसल कटी हुआ फसल के दाम मिला था, हमने के सरकार आई तो 10 फसल के MSP तय कर दे, कोई काम नहीं हुआ, आय दुगुना नहीं हुआ, पक्का मकान नहीं बना, कोई काम नरेंद्र मोदी जी ने ना बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया, ना पैकेज दिया, ना स्पेशल अटेंशन दिया। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार। लालू जी यूनिवर्सिटी दिए, कारखाना दिए, हम कितना रोड दिए, बाईपास दिए, डबल डेकर दिए, सारा भी हम लोग करवा रहे हैं। तो काम तो हम लोगों ने किया, रिवीलगंज से डोरीगंज वाला बाईपास हो जाएगा, परसा के बाईपास, महरौरा के बाईपास, अमनौर के बाईपास, हर जगह हम लोग दे रहे किए, तो इसलिए हम लोगों ने काम किया है। और अब हम आते हैं तो क्या बोले, अभी छपरा आयल रोले बोले कि सब कुछ मुसलमान को दे देगा आरक्षण। तेजस्वी जब 17 महीने रहा तो 75% आरक्षण बढ़ा दिया, जाति आधारित गणना करा के, किसका किसका बढ़ा, OBC के, EBC के, SC के, ST के, और अगरा भाई के 10% छोड़ दिया, EWC। तो कहां दे दिए किसी और को, पिछड़ापन में जो भी पिछड़ी जाति चाहे कोई धर्म के हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सबको है आरक्षण, सबको मिला आरक्षण। और हम लोगों ने जो मुसलमान में भी पिछड़ा था, हिंदू में भी जो पिछड़ा था, सबको हम लोगों ने दिया आरक्षण। तो जो गरीब था उसको भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग योजना बना रहे थे, जाति आधारित गणना कराए, लेकिन प्रधानमंत्री जी यहां इतना झूठ बोले कि गोबर का भी हलवा बना रहे हैं। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में नहीं होगा जितना झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, खाली झूठ, खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते हैं, लड़वाना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। अब एगो काम तो किए नहीं, आके कोई काम नहीं बताया कि 5 साल क्या करेंगे बिहार के लिए, खाली ये कह रहे हैं भाइयों बहनों
ये विपक्ष वाले आएंगे तो मंगलसूत्र छीन लेंगे, दो भैंस होगा तो एक भैंस छीन लेंगे। अच्छा ये बताओ नौजवान भाई या बुजुर्ग लोग, सब लोग बताइए, मंगलसूत्र कब पहनाया जाता है? ब्याह में? मोदी जी किसी को नौकरी दिए जो ब्याह हो जाए? तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी दिया, ब्याह करवा दिया, मंगलसूत्र पहनवा दिया, तो हम लोग छीन रहे कि पहनवा रहे? पहनवाए ना, क्या गजब है भाई प्रधानमंत्री, कोई स्तर नहीं है, कोई स्तर नहीं रह गया। आप देखिए तेजस्वी 5 लाख नौकरी तो दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आया है, यानी 8 लाख नौकरी का व्यवस्था, वो तो 8 लाख पूरा हो जाता चाचा जी पलट गए। अरे चाचा जी पलटे ने चाचा जी को हाईजैक कर लिया भाजपा वाला, अभी रोड शो में नहीं देखे कैसे मुंह कड़िया लग रहा था, हमको बहुत पीड़ा हुई, दुख हुआ, उनको नीचे खड़ा कर दिया, मोदी जी अपने ऊपर खड़ा हो गए और अपने मुंह पे लाइट मरवा रहे हैं, और चाचा बेचारे इन्हें उन्हें तकिया रहे हैं, हमको बहुत पीड़ा हुई। देखो एक बात बता दे, चाचा जी का शरीर वही है मन यही है। मोदी जी का आज नामांकन था, हमारे चाचा जी बीमार पड़ गए ले, नामांकन में ना गए ले, हमारे चाचा ने कहा था जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे, भतीजवा वही काम करता, और उनका भी यही मन है कि 14 वाले 24 में जाएंगे, पूरा आशीर्वाद है। तो हम तो सम्मान करते हैं, करते नहीं, आप लोगों को भी करना चाहिए, बुजुर्ग आदमी है भाई, लेकिन आप एक बात समझिए, हम लोगों ने काम किया, आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, जो खेला उसको भी नौकरी दिए, जो पढ़ा उसको भी नौकरी दिए, जो खिलाड़ी मेडल लाया उसको 72 खिलाड़ी को हम नौकरी दिए, और खेल नीति बनाए, खेल नीति में डीएसपी भी बन जाएगा अगर देश के लिए गोल्ड मेडल ले आएगा तो, ये प्रावधान हम लोग दिए, टूरिज्म पॉलिसी बनाए, जाति जनगणना कराए, अग्निवीर को तो खत्म करेंगे सबसे पहले, रोहिणी जी जीतेगी इंडिया का सरकार बनेगा, तो एक सुनो 1 करोड़ नौजवानों को पूरे देश भर में सरकारी नौकरी, हम लोगों ने जो कहा वो किया, 1 करोड़, और जाके अपनी बहनों को माताओं को कहना कि तेजस्वी भैया आए थे और उन्होंने कहा है कि साल में एक बार गरीब बहन को 1 लाख रुपया वो देंगे, हर महीने 8,333 रुपया गरीब बहनों को फ्री में बिजली हम लोग देंगे, गैस सिलेंडर 500 कर दिया जाएगा, ये काम हम लोग करेंगे, समझिए ये सारा काम होगा। गोपालगंज में हम लोग एयरपोर्ट बनाएंगे, छपरा प्रमंडल में एक एयरपोर्ट हो जाएगा, तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। जनता को हिसाब दो कि 10 साल में क्या किया, ये प्रधानमंत्री जी आए थे चीनी का मिल खुलवा के वही चीनी का चाय पीना था, क्या हुआ, कोनो काम किए चूर करेगी, हाथ उठा के बताइए, सारण की जनता, आप लोग रोहिणी आचार्य जी को पकड़ो यार, जिताइएगा ना, अरे पक्का बता दो, सब दलित भाई के, अति पिछड़ा भाई के, अल्पसंख्यक भाई को जोड़े के बा, सबके गले से लगावे के बा, सबके सीने से लगावा, अति पिछड़ा टोला जाओ, अल्पसंख्यक भाइयों के साथ दुख सुख में साथ रहो, ये काम कीजिएगा, वादा है कि नहीं? नहीं वादा कीजिए, हाथ उठा के वादा कीजिए, सब लोगों को गले से लगाओगे,
सब लोगों को दोस्त बनाओगे, सबको सम्मान दोगे, यही काम करना है। ये काम करोगे तो केंद्र में भी सरकार होगी और तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री भी बनेगा। करना है ना? तो रोहिणी जी को देखिए, हम तो छोटा थे तो यही पाल के बड़ा की, हमने के थाली में खाली ये खाना यही खिलाती थी, कौड़ बना बना करके बाबू खा लेना तो चिड़िया उठा के ले जाए, समझे? तो हमको बड़ा करने में इनका योगदान रहा है। और ये गलत फहमी में मत रहिएगा, हम लोगों का साथ जितना ही रही है उससे ज्यादा मजबूत तरीके से सारण की जनता की बेटी बनकर के रहेगी। बस अपना आशीर्वाद, सब लोग उधर भी है, दूर दूर लोग खड़े, सब लोग हाथ उठाइए रोड पे, सब लोग आशीर्वाद दीजिए। चुपचाप चुपचाप चुपचाप। बहुत बहुत धन्यवाद सारण की जनता, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हूँ परितोष कुमार, न कोई शोर न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर TD News पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें TD News बिहार। नमस्कार।